प्रशासन की लापरवाही के चलते ग्वालियर के महाराजपुरा औद्योगिक क्षेत्र में भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से विकसित पार्क पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर खड़ा है। पार्क की सुध लेने वाला कोई नहीं है। महाराजपुरा औद्योगिक क्षेत्र में जोर शोर से अटल जी के निधन के बाद विकसित किए गए इस पार्क को जिला उद्योग केंद्र और महाराजपुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने मिलकर डेवलप किया था। तब से मुड़कर किसी ने इसकी तरफ नहीं देखा। पार्क के हालात इतने बदतर है कि पार्क के बीच स्थित साइन बोर्ड पर अटल जी की तस्वीर भी नजर नहीं आ रही। इस मामले को लेकर अटल जी के भांजे और पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा का कहना है कि उन्होंने 3 दिन के भीतर पार्क को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। यदि अधिकारी इस पर अमल नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर नेताओं और अधिकारियों ने औद्योगिक क्षेत्र में विकसित पार्क को दरकिनार कर बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया है। वो पार्क जहाँ तक मेरी जानकारी है वहाँ की एसोसिएशन ने बनाया था। अब वो क्यों बनाया, कैसे बनाया, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी, क्योंकि मेरी उनसे बात हुई है, अपने DIC के अधिकारी हैं मिस्टर अरविंद जी, और मैंने उनको कहा है कि 2 से 3 दिन में उसकी व्यवस्था ठीक करें, साफ सफाइयत के साथ उसकी संतुलीकरण, और उसके बाद उसमें पार्क को पार्क की तरह दिखने लगे ऐसी व्यवस्था उसकी कर दें। अगर नहीं करेंगे तो फिर जो मुझे करना है मैं उस हिसाब से करूँगा, क्योंकि वो पार्क श्रद्धे अटल जी के नाम पर इंडस्ट्री के हमारे जो साथी हैं उनकी एसोसिएशन ने मिल करके बनाया था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडस्ट्री विभाग का उसमें अब कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो ज़मीन इंडस्ट्री विभाग की है, फेंसिंग उन लोगों ने की, वृक्षारोपण उन लोगों ने किया, सदे अटल जी के नाम से उस पार्क के निर्माण की नींव रख के ये सारे काम किए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।